हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और नई नौकरी की अपडेट लेकर के हम आपके पास जुड़ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई नौकरी आ चुका है, बिल्कुल अभी अपडेट हुआ है और अप्लाई भी करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 22 दिसंबर 2022 है, तो डेट भी बहुत ही नज़दीक है। जल्दी से पूरा डिटेल्स आप लोग को हम दिखा देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, ऑफिशियल नोटिस को दिखा करके, और पूरी कंप्लीट जानकारी होने के बाद अब आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिस, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है प्रेस विज्ञापित। यहाँ पर लिखा गया है राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से वर्ष 2022 में सभी पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना। यानी दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी राजकीय यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिनमें 2022 में पीजी और डिप्लोमा जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है। और इस सूचना में क्या लिखा गया है, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से वर्ष 2022 में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा बाउंड के आधार पर दिए जाने के नियमित चिकित्सा संस्थान आवंटित किया जाना है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, 2022 में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें 3 वर्षों का अनिवार्य सेवा देने के लिए बाउंड के आधार पर जितने भी चिकित्सा संस्थान है वो आवंटित किया जाना है। इसीलिए इन सारे कैंडिडेटों से, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सारे कैंडिडेटों से विभागीय की वेबसाइट पर, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर, वेबसाइट ये रहा, आप लोग देख सकते हो, https://state.bihar.gov.in या हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर के लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाकर के आप लोग 22 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल रूप से भर दीजिए। अगर आप लोग लास्ट डेट के बाद भरते हैं तो आपके फॉर्म पर कोई यहां पर विचार नहीं किए जाएंगे। यानी सभी पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, सिस्टर, ब्रदर, सबसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है जो कि 22 दिसंबर 2022 डेट यहाँ पर रखा गया है। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें वैकेंसी कितनी है लगभग, तो जो 2022 में यहाँ पर पास आउट हैं सभी के लिए है, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी की संख्या निर्धारित नहीं है। अब 2000 हो, 1000 हो, 1500 हो, 4000 हो, सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर मौका दिए गए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया है, बिल्कुल रूप से करिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट ही नहीं है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, लेकिन मेरे साथियों, टेलीग्राम ग्रुप में पूछे वो अच्छी बात है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। आप लोग जाइए, पूरी जानकारी वहाँ से देखिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले अपडेट हम देते रहेंगे और आप लोग को सपोर्ट चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।